लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। लखनऊ में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। 2012 के पुराने मामले में रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी हुई है और लखनऊ में रात 1 बजे पूर्व बसपा एमएलसी गिरफ्तार हुए। लखनऊ के धेनुमती अपार्टमेंट से देवरिया ले गई है टीम। तो लखनऊ में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2012 के वसूली मामले में पहले FIR हुई थी और एक बार फिर से इस केस में जांच पड़ताल की जा रही है। रात 1 बजे गिरफ्तार हुए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, विस्तार से बताइएगा 2012 का ये कौन सा मामला है और क्यों अब इसमें एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, मामला धन उगाही का है, ब्लैकमेलिंग का है और मामला काफी पुराना है। आज रात करीब 1 बजे धेनुमती अपार्टमेंट लखनऊ में, जो मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां रहते हैं रामू द्विवेदी, पूर्व बसपा MLC हैं और उनको गिरफ्तार कर ली पुलिस। और इस समय रामपुर कारखाना, जो देवरिया जिले का एक थाना है, वहां पर उन्हें रखा गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ADG जोन लखनऊ गोरखपुर अखिल कुमार के निर्देश पर देवरिया के SP श्रीपति मिश्रा ने ये कार्रवाई की है। पिछले कई दिनों से तलाश की जा रही थी रामू द्विवेदी की। हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, कोविड से वो काफी पीड़ित थे और धेनुमती अपार्टमेंट में रहते हैं। CCTV जारी हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस आई है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। पुराना मामला है और वो हालांकि आपराधिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके छात्र जीवन से ही आपराधिक दृष्टि से कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो हत्या के मामले हों, उगाही के मामले हों, ब्लैकमेलिंग के मामले हों, कारोबारियों से पैसा वसूलने का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और ये मामले केवल एक जगह नहीं बल्कि लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, इन तमाम जगहों पे दर्ज थे, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो बरी हो चुके थे, ऐसा रामू द्विवेदी का कहना है। और कई मामले ऐसे हैं, लेकिन प्रदेश के जो टॉप 33 माफिया हैं उसमें रामू द्विवेदी को शामिल किया गया। जो लिस्ट जारी की गई थी सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, जो प्रदेश के 33 माफिया इसमें शामिल थे पूरे प्रदेश के, उसमें रामू द्विवेदी का पूर्वांचल से, देवरिया जिले से नाम था रामू द्विवेदी का। जी हाँ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यही वजह है कि एक बार फिर से मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और बीती रात 1 बजे देखिए किस तरह पुलिस उनके घर पहुंची और उनको गिरफ्तार करके ले गई। टॉप 33 माफियाओं की सूची में रामू द्विवेदी का नाम आता है। जानलेवा हमले के पुराने मामले में पूर्व बसपा MLC रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। लखनऊ से रात 1 बजे गिरफ्तार करके देवरिया ले गई है उन्हें पुलिस और अब वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। रामू द्विवेदी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। 2012 के वसूली मामले में FIR हुई थी और एक बार फिर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व बसपा MLC रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। रात 1 बजे पुलिस पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उसके बाद अपने साथ उन्हें देवरिया ले गई। रामू द्विवेदी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है और ये पूरा मामला 2012 का है। एक वसूली मामले में उन पर FIR हुई थी। इतना ही नहीं, रामू द्विवेदी की भी जो छवि है वो माफियाओं की है। टॉप 33 दबंगों और माफियाओं की लिस्ट में रामू द्विवेदी का भी नाम आता है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है।